हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ब्रगू। तो दोस्तों, सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S11 एंड गैलेक्सी S12 दोनों ही स्मार्टफोनों को लॉन्च कर दिया है और अब सैमसंग लॉन्च करने वाला है अपना एक और स्मार्टफोन जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी S13। दोस्तों, ये स्मार्टफोन एक किलर स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि सैमसंग ने यहाँ पर इसकी प्राइस काफ़ी कम रखी है। और जानोगे आप इसकी प्राइस के बारे में तो दोस्तों आप भी शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस होने वाली है सैमसंग की तरफ से केवल और केवल 8,099 रुपीज़। और दोस्तों, इतनी कम प्राइस में आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा सैमसंग के खुद का चिपसेट एक्जिनस 9611 का चिपसेट एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको 48 मेगापिक्सल का 12 रियर कैमरा एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S13 के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल सकते हैं और क्या होगी इसकी इंडियन प्राइस और कब तक ये आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिल जाता है जो कि ग्लॉसिक ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और इसके साथ ही आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट साइड की। तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि एक सुपर एमुलेट पैनल होगा और इसके साथ ही आपको सेल्फी के लिए पंच होल कैमरा भी मिल जाएगा और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो आपको सैमसंग के खुद का चिपसेट एक्जिनस 9611 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी S11 और गैलेक्सी S12 में भी मिल चुका है। अब बात करते हैं इसके कैमराज की। तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 का सेंसर होगा एंड सेकेंडरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा। एंड वहीं पर बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि पंच होल के अंदर होगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल होगा और इसके साथ ही आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट 3.5 mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, इसकी प्राइस होने वाली है ओनली 8,099 रुपीज और ये स्मार्टफोन एक दुनिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर आपको इतनी कम प्राइस में इतने सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये स्मार्टफोन एक इंडियन किलर स्मार्टफोन बनने वाला है। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको नवंबर मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो इतने कम बजट के हिसाब से ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन होने वाला है और ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही तबाही मचाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।